हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है GST पेपर 108 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नूर विच मीन्स लाइट वॉज लॉन्च रिसेंटली, इट इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नूर जिसका मतलब लाइट होता है, रोशनी से होती है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है कि किस देश ने अपने मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर है ए, ईरान। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द एक्ट हैज़ गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें एक्ट में जो आर्टिकल 46 था उसको प्रैक्टिकल शेप यानी उसको सही तौर पर लाया गया था, लागू किया गया था। सेकेंड है, अंडर द एक्ट स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द विलेज लेवल। कहने का मतलब इसमें एक ऐसा एक्ट आया था जिसमें वो पॉपुलेशन जहाँ 20 लाख से ज़्यादा मतलब जिनकी ना हो उनको पंचायत बनाने का अधिकार नहीं है एट विलेज लेवल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है। जो 73rd है, जैसा आप सबको पता है कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ, इसी के साथ हमारे इंडिया में पंचायत को लाया गया था। वही ये एक्ट गिवन ए प्रैक्टिकल शेप, इसने आर्टिकल 46 नहीं बल्कि 40 को प्रैक्टिकल शेप दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि आर्टिकल 40 इसी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द पोर्टल प्रोवाइड फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया विच डिमार्केट्स इनहेबिट लैंड इन रूरल एरिया। कहने का मतलब जो ये पोर्टल है ये प्रोवाइड कराता है कि जो इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी है यानी कई लोग हैं जो रूरल लैंड ऐसे करके रहते हैं तो उनकी जो इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपरली उनको इंटीग्रेट किया जाए ताकि जो रूरल इंडिया है जिसमें डिमार्केशन है काफ़ी लैंड का कि ये आपका वो हमारा है तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। मतलब एक कहने का मतलब कलेक्टिव लैंड पे फार्मिंग ज़्यादा अच्छा होगा। सेकंड है, द डिमार्केशन वुड बी डन विद द कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। यानी जो डिमार्केशन होता है लैंड का वो इन सारे जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अलग अलग इनके मिलने से यानी इनकी मिली जुली भगत से होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही गलत है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द ई ग्राम स्वराज, ये एक नया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का और इसमें जो ग्राम पंचायत है उनको सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। तो कहने मतलब जो इनका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है उसको एक ही बार में बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द स्कीम विल प्रोवाइड द ग्राम पंचायत अ सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो इस स्कीम में जैसे कि बता रहा है कि ग्राम पंचायत को एक सिंगल इंटरफेस में उनके अपने GPDP के प्लान को यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए कहा गया है। सेकंड है, द यूनिफाइड स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी जो ये स्कीम है यूनिफाइड है और इसको पंचायती राज द्वारा बनाया गया, लिया गया और इम्प्लीमेंट करने का काम जो रूरल डेवलपमेंट है वो करता है यानी ग्राम विकास मंत्रालय करता है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्वामित्व स्कीम के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, दोनों ही गलत है।
स्वामित्व, जैसा कि पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ना कि स्वामित्व स्कीम का हिस्सा है। सेकेंड, द डिमार्केशन जो इनहेबिट लैंड है इन रूरल एरिया वुड बी डन बाई द यूज ऑफ लेटेस्ट सर्वेइंग मैथड, जो नया सर्वेइंग मैथड लिया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी से, तो उसकी मदद से किया जा रहा है। और इनमें जो मिनिस्ट्री यानी कि जो मंत्रालय शामिल है वो चार है, पहला मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपको बताना है इनमें से जो ये एलिफेंट रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए असम। जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है NBW रिसेंटली उन्होंने रिकमेंड किया था कोल माइनिंग इन सेलकाई प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट असम में, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा। और सलेकी इज अ पार्ट ऑफ दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, जिसमें दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी जो बोर्ड है ये एक मतलब कानूनी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ द्वारा बनाया गया है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उस कानून के अंदर आता है। सेकेंड, इट इज चेयर्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स वाइस चेयरमैन इज अ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जो उसका चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो वाइस चेयरमैन होता है वो MEFCC के जो मिनिस्टर होता है वही होता है। लास्ट है इट सर्व एज एन एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड अप्रूव प्रोजेक्ट इन एरिया अराउंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि मैटर्स जो भी होते हैं इफेक्ट या कॉज एंड इफेक्ट जो भी हो किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के आसपास, तो उनके रिगार्डिंग डिसीजन यह लेता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है NBWL के संदर्भ में। तो उसका सही आंसर है D 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क NRTN के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट वॉज डिजाइंड विद 22 लॉन्ग रूट्स इंटरस्प्रेड्स विद 34 इंटरेस्ट और इंटर स्टेट या इंटर स्टेट शेड्यूल अक्रॉस द कंट्री। जो नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है NRTN, ये एक 22 लंबे रूट्स की एक कहने का मतलब एक रोड है जिसमें लगभग 34 इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट कह लीजिए पूरे देश भर में। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सड़क, यानी कि जो NHAI है इनका एक ये पहल है, जो एक प्रोजेक्ट आया था राष्ट्रीय सड़क प्रोजेक्ट, उसी के अंदर ऐसा इन्होंने किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A 1 ओनली, सेकेंड वाला गलत है। डिजाइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विथ 22 लॉन्ग रूट, 500 किलोमीटर का इंटर स्प्रेड 34 राज्यों में ऐसा फैला हुआ है 75 सिटीज़ में, और इंश्योर करता है मूवमेंट ऑफ इसेंशियल आइटम्स विद इन द कंट्री इन द क्रिटिकल सिचुएशन, किसी भी तरीके का क्रिटिकल सिचुएशन हो जैसे अभी COVID-19 का लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल करके जो इसेंशियल आइटम है जो ज़रूरत की चीज़ें उसको पहुँचाई जा रही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भावेश्वरा के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है। पहला है ही लेड द वचना यानी कि पोएट्री मूवमेंट विच एम्स फॉर साकाला जीवत मैरी लेसु, तो जो एक बड़ा अजीब सा नाम है, तो ये वचना है पोएट्री है मूवमेंट इन्होंने चलाई थी भावेश्वरा ने। सेकेंड है ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलचूरी किंग बिजाला, तो ये जो कलचूरी किंग बिजाला है वहाँ के ये प्रधानमंत्री थे।
लास्ट है, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन द हिंदुइज्म एंड फंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड लिंगायत्स टू क्रिएट अ कैसल्स सोसाइटी, सॉरी कास्टलेस सोसाइटी। तो लास्ट जो ये कह रहा है कि इन्होंने एक विद्रोह किया था जातीय प्रणाली के अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में, और इन्होंने एक सभा फाउंड की थी, इसका नाम था लिंगायत, ताकि एक अलग से कास्टलेस सोसाइटी बना सके। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूहर ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन, जो रूहर एक शब्द है काफी चर्चाओं में, खबरों में आपने पढ़ा होगा, तो इस किस चीज से जुड़ा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। हाल ही में IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इसको लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया था। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी NAFED के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी सबसे ऊंची संस्था है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के लिए एग्रीकल्चर इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, यानी कि जो भी उत्पादन होता है हमारे कृषि में। सेकंड है, इट वॉज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन, यानी इसको बनाया गया तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था ये प्रमोट करना है ट्रेड, जो भी हमारे जो कृषि उद्योगों द्वारा या किसी भी रिसोर्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है खाद्य पदार्थ, तो उसको प्रमोट करने, उसका प्रोत्साहन के लिए इसको बनाया गया था। लास्ट है, इट इज़ द सोल सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिंग कोपरा एंड बाल कोपरा और डी हस कोकोनट अंडर दी प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो यह अकेला एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार का एक बड़ी एजेंसी है, जो कि मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा और डी हस कोकोनट, नारियल के ऊपर के जो खस होती हैं बेसिकली उन्हीं को बोला जाता है, कोपरा मैट बनता है इनसे, तो इनके प्राइस जो होती हैं उसको ये सपोर्ट करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। इन ऑर्डर टू मीट दी प्रोटीन नीड को मीट करने के लिए, जो हाल ही में COVID-19 क्राइसिस में हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक किलो का माइल्ड एंड क्लीन्ड पल्सेस टू ईच NFSA हाउस होल्ड फॉर द 3 मंथ अंडर द PM गरीब कल्याण योजना। तो गरीब कल्याण योजना के अंदर हर जो भी NFSA घरें होती हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं गरीब लोग, बेसिकली उनको 3 महीने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। NAFED इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। तो मार्केट एक अकेला सबसे बड़ा संस्था है जो कि मार्केटिंग करता है कोऑपरेटिव्स का, जो कि कृषि के उससे केंद्र से, मतलब के कृषि के स्टेज से, यानी कि उनके साइड से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था, यानी कि GS पेपर 107, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द भरोसा हेल्प एंड कॉग्निटिव इमोशनल रिहैबिलिटेशन सेक्टर टू द स्टूडेंट। आपको बताना था किस राज्य ने एक भरोसा ऐप शुरू किया है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने इसको, जो बाई यूनियन मिनिस्ट्री फ्रॉम होम एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है, उन्होंने इसको शुरू किया है, सारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज के GS पेपर 108 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच कंट्री वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस देश के मतलब जो पर्सन है, ऑफिशियल जो भी है, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो आपको बताना है वो देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी इंडिया, सी चाइना या डी रशिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.